चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फाइनली आज हम सीखेंगे कैसे हम कोई भी गाने का टैब्स निकाल सकते हैं खुद से। तो टैब्स हो गया, गाने का इंट्रो हो गया या कोई सोलो हो गया, आप आराम से उसको सुन के निकाल सकते हो। तो आपको कोई भी थ्योरी या स्केल जानने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप सुन के ही निकाल सकते हो कोई भी गाने का टैब्स। तो एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए लेसन है, मैं पूरा सिंपल रखूंगा इस पार्ट को। आगे मैं इसका और भी पार्ट्स लेके आऊंगा अगर इस पर अच्छा व्यूज आए तो। अगर 50,000 व्यूज आता है इस लेसन पे, इसका मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा। पर उसके लिए आपको इसको शेयर करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आपने नहीं किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट लेसन, आपको काफी मजा आएगा इसको सीखने में। तो मैं आपके साथ मिलकर अभी टैब्स निकालूंगा गानों के, इंट्रो निकालूंगा एंड मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप अपने ईयर को ट्रेन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो गिटार प्ले कर रहा हूँ, ये डोनर का काफी अच्छा गिटार है, DAG-1C इसका मॉडल नंबर है। तो अभी इंडिया में फिलहाल अवेलेबल नहीं है, पर आगे अवेलेबल हो सकता है। तो काफी अफोर्डेबल गिटार है, काफी आपको अच्छा फीचर्स मिल जाएगा। तो इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज का लेसन अभी स्टार्ट करते हैं। तो मैं कैसे टैब्स को अप्रोच करता हूँ आपको मैं बता दूंगा आज। तो अभी हम टैब्स को 2 टाइप्स का कंसिडर करेंगे। तो पहला टैब्स हो गया आपका कोई इंट्रो प्ले हो रहा है किसी इंस्ट्रूमेंट पे या फिर सोलो प्ले हो रहा है, तो सेम नोट्स को आपको सुन के गिटार पे ढूंढना है। तो ये थोड़ा सा ईजी है क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट पे नोट्स बजता है सेम आपको गिटार पे ढूंढना है सुन के। तो जो सेकेंड टैब आएगा आपका आएगा वोकल मेलोडी का टैब्स, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि सिंगर जो गाते हैं, जो लिरिक्स गाते हैं, उसको आपको ढूंढ के निकालना है गिटार पे। तो बेसिकली जो नोट्स है आपको खुद से जज करना पड़ेगा एंड ढूंढना पड़ेगा गिटार पे। तो कैसे ढूंढना है मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा लाइव एग्जांपल देके। तो सबसे पहला पार्ट सीखेंगे, कोई भी गाना प्ले हो रहा है उसमें गिटार का पार्ट आ रहा है, इंट्रो आ रहा है या छोटा सा सोलो आ रहा है, उसको सुन के कैसे निकाले अपने गिटार पे। तो अभी हम एक एग्जांपल लेंगे, इश्क वाला लव, उसका इंट्रो ट्राई करेंगे गिटार पे निकालने का। तो आप सबने उसका इंट्रो सुना ही होगा, गिटार पे प्ले हुआ है। तो चलिए एक बार इसको सुन लेते हैं पहले। तो आपने सुन लिया, काफी सिंपल इंट्रो है, पर कभी कभी जो बिगिनर्स है वो स्ट्रगल करते हैं सिंपल नोट से ढूंढने के लिए। तो आज मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको अप्रोच करना है, मैं कैसे अप्रोच करता हूँ। तो कोई भी इंट्रो हो गया, कोई भी सोलो हो गया, आपका जो म्यूजिक का 12 नोट से A to G साफ उसी के बीच में आता है। तो आपको गिटार पे भी वही 12 नोट से अरेंज हुआ है अलग अलग ऑक्टेव एंड पोजिशंस पे, बस हमको वही फाइंड करना है अभी। तो मैं पर्सनली क्या करता हूँ, जो म्यूजिक है उसको थोड़ा स्लो करके सुनता हूँ ताकि नोट्स को समझने में इजी हो। तो चलिए इंट्रो का जो फर्स्ट हाफ है उसको थोड़ा स्लो करके सुनते हैं। तो आपने सुन लिया है, तो सुन के हमको लग रहा है कि ये थोड़ा लोअर ऑक्टेव में प्ले हुआ है। तो आपको पहला काम करना है कि इसका जो फर्स्ट नोट है उसको फाइंड करना है। तो जैसे कि हमको लग रहा है कि ये लोअर ऑक्टेव में है, हम स्टार्ट करेंगे इसको 4 स्ट्रिंग से। तो पहले ओपन प्ले करेंगे, मैच नहीं हो रहा इसको आगे लेके आएंगे, नहीं तो इसी नोट से स्टार्ट हो रहा है मुझे लग रहा है। फिर से सुनते हैं इसका पहला पार्ट स्लो में। तो आपने सुना ये शायद स्लाइड हो रहा है थोड़ा आगे, या हैमर भी आप कर सकते हो, नहीं ये ऑफ लग रहा है बस। तो आपका जो सेकंड नोट है ये नोट है, ठीक है, तो आप इसको स्लाइड भी कर सकते हो। देन इसका जो थर्ड नोट है उसको भी सुनते हैं एक बार फिर से। तो आपका कैसा जा रहा है, तो आपका थर्ड नोट भी यहीं पे आ रहा है, आप इसको हैमर कर सकते हो नहीं तो स्लाइड भी कर सकते हो। बस अभी आपको ध्यान रखना है कि सही नोट्स आपको निकालना है। तो आपका पहला पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो चलिए इसका सेकंड हाफ सुनते हैं अभी। तो आपने सुन लिया है, तो चलिए इसका नेक्स्ट नोट निकालते हैं अभी। यहां तक हो गया था, देन थोड़ा आगे जाएंगे तो ये वाला लग रहा है आपका डी शार्प नोट, तो इसको हम थर्ड स्ट्रिंग पे प्ले कर सकते हैं यहाँ पे डी शार्प, ठीक है ना। तो कैसा हो गया, तो आप सुन सकते हो कि यहां से फिर से स्लाइड या ऊपर जा रहा है थोड़ा नेक्स्ट नोट पे, लाइक ये ऑफ लगा तो ये ठीक लग रहा है थोड़ा। तो स्टार्टिंग से अगर फिर से सुन लेते हैं यहां तक देन प्ले करेंगे, तो फिर से प्ले करते हैं बस 1 2
5, तो हमको 5 नोट्स मिल गया, 1, 2, 3, 4, 5, बस हम इसमें स्लाइड्स कर रहे हैं। देन जो लास्ट नोट है उसको सुनते हैं, फिर से थोड़ा लो जा रहा है, फिर से यहीं पे आ रहा है मुझे लग रहा है, तो फिर से सेकंड पार्ट इसका प्ले करते हैं, बस ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही सुन के एक एक नोट पे फोकस करना है, तो एक बार स्टार्टिंग से पूरा इंट्रो सुन लेते हैं, देन इसको फिर से प्ले करेंगे, ठीक है ना, देखते हैं फिर से। तो इसका पहला पार्ट हो गया, तो आप स्लाइड कर सकते हो, नहीं तो हैमर भी कर सकते हो, बस आपको अभी सही नोट्स निकालना है। तो ये था इसका पहला हाफ, तो चलिए इसका सेकंड हाफ सुनते हैं अभी। तो सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, आपने सुन लिया है, बस लास्ट में हल्का सा स्लाइड बैक हो रहा है या स्लाइड अप, उसको देखेंगे हम। तो पहला पार्ट मुझे लग रहा है पूरा सेम है, प्ले करके देखते हैं। तो पूरा सेम था, बस यहां से ये स्लाइड बैक जा रहा है, अगर आप ध्यान से सुनोगे। तो फिर से ये पार्ट सुन लेते हैं एक बार, तो आपने सुना यहां से स्लाइड बैक जा रहा है अप टू, ये ऑफ लग रहा है यहां तक, ठीक है ना। तो फिर से सुनते हैं लास्ट पार्ट, तो पूरा मैच किया। तो आप ऐसे एक एक नोट को सुनिए, उसको ट्राई कीजिए गिटार पे निकालने का, आप आराम से निकाल सकते हो कोई भी इंट्रो। तो अभी हम नेक्स्ट ट्राई करेंगे कोई भी इंट्रो या इंस्ट्रूमेंटल पार्ट जो कि किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे प्ले हुआ है, उसको गिटार पे कैसे निकाले। तो अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे तुम ही हो का इंट्रो, तो उसका जो इंट्रो पार्ट है सिंथ पे प्ले हुआ है, उसको ट्राई करेंगे हम सुन के गिटार पे निकालने का। तो चलिए अभी नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले तुम ही हो का इंट्रो सुन लेते हैं। तो आपने सुन लिया, काफी खूबसूरत इंट्रो है। तो सेम अभी इसको स्लो मोशन में सुनेंगे फिर से, एंड ट्राई करेंगे इसका जो पहला हाफ है उसको निकालने का। तो इसका जो फर्स्ट नोट है उस पर पहले फोकस करेंगे। तो चलिए इसका फर्स्ट नोट सुनते हैं पहले। तो ये लग रहा है कि मिड ऑक्टेव पे है, तो इसको थर्ड स्ट्रिंग पे ट्राई करेंगे एक बार। तो इसका पहला नोट फाइंड करेंगे, ये नहीं है, आगे जाएंगे। तो आपका ये वाला नोट लग रहा है मुझे, ठीक है ना। तो सुनते हैं फिर से पहले तीन नोट्स, ठीक है ना। तो फिर देखते हैं, हाई जा रहा है थोड़ा, तो सेकंड नोट ये लग रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, अभी सेकंड स्ट्रिंग पे ले आएंगे क्योंकि आगे काफी ऊपर चला जाएगा ये। तो इसको ट्राई करेंगे जो सेकंड नोट है डेट इज जी शार्प, इसको सेकंड स्ट्रिंग पे प्ले करने का। लाइक आपका पहला नोट यहां पे था, सेकंड आपका जी शार्प यहां पे आएगा। तो दो नोट्स मिल गए हमको, तो चलिए इसका थर्ड नोट ढूंढते हैं अभी। तो ये भी हाई जा रहा है आपका, यहां पे आ रहा है आपका सी नोट। तो ये नोट भी हम फर्स्ट स्ट्रिंग पे ले आएंगे, ये आपका सी नोट है। तो आपको तीन नोट्स मिल गए, देन चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट सुनते हैं। तो इसका नेक्स्ट नोट थोड़ा हाई जा रहा है, देन बस ये नोट, ठीक है ना। देन इसके बाद सुनेंगे फिर से, थोड़ा लो गया, ये वाला नोट है शायद। ठीक है ना, तो आपका जो ये वाला नोट है इसको सेकंड स्ट्रिंग पे ले आएंगे यहां पे। तो हमको पांच नोट्स मिल गया, 1, 2, 3,
4, 5. तो इन सब का टैब्स देने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ ही निकाल रहा हूँ, आप मुझे फॉलो कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, एंड खुद से प्ले करके नोट्स को पिक कीजिए। तो क्या हो गया, फिर से देखते हैं। देन ये, देन ये। तो अभी लास्ट का दो नोट सुन लेते हैं। तो इसके बाद थोड़ा हाई जा रहा है ये, ठीक है ना। तो क्या हो गया यहां तक, देन जो लास्ट नोट आ रहा है आपका, ये आ रहा है, ठीक है ना। तो हमको मिल गया सभी नोट्स। पूरा मैच कर रहा है। अगर आप इसको स्टडी करोगे, आपका एफ माइनर स्केल पे आ रहा है। तो आपने देखा कैसे आप सुन के नोट्स को निकाल सकते हो आराम से अपने गिटार पे। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, इधर गिटार हो, सिंथ हो, फ्लूट का भी आप वैसे ट्राई कर सकते हो खुद से नोट्स को आइडेंटिफाई करके। तो ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, जिसमें आप दूसरे इंस्ट्रूमेंट का भी नोट्स गिटार पे निकाल सकते हो। तो चलिए अभी थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं, जो कि काफी एक्साइटिंग है, जिसमें हम वोकल का नोट्स गिटार पे निकालेंगे। तो इसमें हम गाने का एग्जांपल लेंगे, गुलाबी आंखें सनम का वर्जन है, तो उसको सुनेंगे, उसका पहला पार्ट को सुनेंगे, देन ट्राई करेंगे कैसे उसका नोट्स निकालना है गिटार पे। तो चलिए भी थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। तो चलिए भी गाने को एक बार सुनते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, ठीक है ना। तो काफी अच्छा गाना है, थोड़ा हाई में चल रहा है, तो इसको फिर से हम ऐसे ट्राई करेंगे थोड़ा स्लो करके सुनने का। तो चलिए इसका जो पहला पार्ट है उसको स्लो करके सुनते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, तो आपने सुन लिया इसका पहला पार्ट। तो अभी हम ट्राई करेंगे इसका जो पहला वर्ड है, पहला नोट है, उसको निकालने का, डेट इज आपका गुलाबी। तो ट्राई करेंगे सेकंड स्ट्रिंग पे प्ले करने का। तो ये नोट लग रहा है जी नोट, तो ओपन थर्ड स्ट्रिंग भी प्ले कर सकते हो। तो इसको थोड़ा सा हाई रखेंगे क्योंकि सनम का वर्जन है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। तो जो गुलाबी पार्ट है उसको सुनेंगे, गुलाबी आंखें, तो तीन नोट्स जा रहा है आपका, तीनों आपका सेम नोट्स लग रहा है, ठीक है ना। देन आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा आंखें, तो आंखें आपका हाई जा रहा था, बस आपका आंखें में ये नोट आ रहा है। तो ऐसे आपको सुन के जज करना है कौन सा नोट फिट आ रहा है। गुलाबी आंखें, तो आपको ऐसे सुन के जज करना है कि कौन सा नोट कहां पे फिट आ रहा है। तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी। तो इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अभी। गुलाबी आंखें तो हमने निकाल लिया, तो नेक्स्ट पार्ट सुन लेते हैं अभी, जो तेरी देखी। तो जो तेरी पार्ट देखते हैं कैसा जा रहा है, ठीक है ना। तो मेरे साथ प्ले कीजिए, देन देखिए, तो कैसा हो गया। अगर आप कोई दूसरा नोट प्ले करोगे आपको थोड़ा अलग सुनाई देगा, लाइक अलग सुनाई दिया, ये भी अलग, ये सही लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट लाइन सुनते हैं अभी, शराबी ये दिल, शराबी ये दिल, तो कैसा गया। शराबी ये नहीं ये, तो आपको ऐसे सुन के नोट्स को जज करना है। ये दिल, ये दिल,
देन आपका लास्ट पार्ट सुन लेते हैं। हो गया तो ये सही लगा या फिर आप स्लाइड कर सकते हो यहां पे। तो आप स्लाइड हैमर ऑन पुल ऑफ यूज कर सकते हो थोड़ा सा इसको अच्छा सुनाई देने के लिए। पर इसका जो मेन नोट्स है आपको ऐसे निकालना है। तो पूरा स्टार्टिंग से प्ले करते हैं एक बार। या फिर अगर आप नोट्स को स्टडी करोगे आपको पता चलेगा ये आपका सी माइनर स्केल पे है। पर अभी आपको थ्योरी देने की जरूरत नहीं, बस आपको ईयर को ट्रेन करना है। तो आप ऐसे ही कोई भी गाना, कोई भी इंट्रो हो गया, कोई भी मेलोडी हो गया, उसको सुन के थोड़ा स्लो करके ब्रेक करके एक एक नोट को निकाल सकते हो। तो आई होप ये लेसन आपको हेल्प किया है। इसको जरूर प्रैक्टिस कीजिए। आपका कोई भी फेवरेट गाना हो गया उसको ऐसे ही सुनिए, तो एक एक नोट को सुनिए, ट्राई कीजिए गिटार पे निकालने का, आप देखिएगा आपका कितना डेवलप होता है आगे। तो इसका पार्ट टू में लेके आऊंगा जिसमें थोड़ा एडवांस गाने हम सीखेंगे, एडवांस इंट्रो निकालेंगे। पर उसके लिए इस वीडियो पे मुझे 50,000 व्यूज चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।